नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबी यानी कि क्षय रोग के ऊपर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक औषधि के बारे में जो औषधि टीबी रोग को 2 महीने में ही ठीक करने की क्षमता रखती है। तो इस वीडियो में मैं बिना समय गवाए आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारा आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हम 2 से 3 वीडियोस को अपलोड करते हैं जिसमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया जाता है। तो एक बार इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब जान लेते हैं एक छोटी सी आसान सी औषधि जो कि आप सभी अपने घर में बना सकते हैं और टीबी को वो ठीक करने में 2 मास में ही टीबी को वो ठीक कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं। फेफड़ों के क्षय को निर्मूल करने के लिए लहसुन की 2 कली छीलकर पीस लें और पाव भर दूध में डालकर उबालें। खीर की तरह गाढ़ा हो जाने पर दूध को उतारकर पीने लायक ठंडा कर लें और नित्य यानी कि प्रतिदिन प्रातः या सोते समय रोजाना 1 बार यह खीर लें। यानी कि ये खीर आपको पीनी है। मास 2 मास के सेवन करने से क्षय रोग यानी कि टीबी का रोग जो है वो दूर हो जाता है। विशेष इसमें क्या है, विशेष जानकारी वो बता देता हूँ। इसके सेवन से उच्च रक्तचाप में भी अतिशीत लाभ होता है और उच्च रक्तचाप से बचाव भी होता है। कच्चे लहसुन के टुकड़े मुनक्का में लपेटकर नित्य 3 बार खाने से 4 दिन में पेट के कीड़े जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सर्दियों में 2-3 मास लहसुन के सेवन से स्वास्थ्य जो होता है वह उत्तम हो जाता है। गुर्दे व मूत्राशय की सूजन व दाह तथा अजीर्ण आदि रोगों में इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। जो इसमें बताया हुआ है, गुर्दा व मूत्राशय की सूजन व दाह अजीर्ण आदि की ये जो समस्या होती है उसमें अगर आपको ये उपचार करते हैं, आप ये उपचार करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। तो दोस्तों, ये क्षय रोग जो है टीबी रोग का ये छोटा सा उपचार है जिससे आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।